तो यार अगर हल्क और पेनीवाइज के बीच में फाइट कराया जाए तो दोनों में से कौन जीतेगा, चलिए बताता हूँ। तो यार देखो, पेनीवाइज कोई भूत भूत नहीं है, ये एक एंशिएंट कॉस्मिक एंटिटी है जिसके पास है कॉस्मिक पावर, जैसे कि टेलीपोर्टेशन, टेलीकिनेसिस, माइंड कंट्रोल, इल्यूजन, हिप्नोसिस और भी कई सारे पावर। और ये जिस शरीर पे हमें दिखाया जाता है ये उसके रियल फॉर्म नहीं है, इसके रियल फॉर्म तो इसके मुंह के अंदर ये 3 डेडलाइट है। इसके एक वीकनेस भी है और वो है कि सामने वाला ओपोनेंट अगर इसको देख के डरेगा नहीं तो ये वीक पड़ जाता है, लेकिन अगर कोई इसको देख के जितना डरेगा इतना ये पावरफुल होता जाएगा। तो अगर बात करें हल्क की, तो ब्रूस बैनर जब गुस्सा होते हैं तब हल्क पे ट्रांसफर होते हैं। हल्क एवेंजर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर में से एक है जिसके पास है सुपर ह्यूमन स्टैंड, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, स्टेमिना, हीलिंग फैक्टर और भी कई सारे पावर। इसके अलावा हल्क उसे जंप भी लगा सकते हैं। हल्क का मेन पावर है उसके गुस्सा, हल्क जितना गुस्सा होते हैं उतना उसके पावर बढ़ते हैं। ये तो था इन दोनों के पावर और एबिलिटी, तो आप बात कर लेते हैं विनर की। तो देखो, पेनीवाइज के पावर है सामने वाला ओपोनेंट अगर इसको देख के डरेगा तो, पर मुझे जितना लगता है कि हल्क इस जोकर को देख के घंटा डरेगा, इस जोकर को देख के तो हल्क और भी गुस्सा हो जाएगा और इसको धूल चटा देगा।